जून 2019 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सांभर लेक जो है वो इनलैंड सॉल्ट यानी खारे पानी का एक वेटलैंड होता है जो कि राजस्थान में है। इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे फ्लेमिंगो जो है विंटर्स के अंदर आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अपन शेवरॉय हिल्स और ये कार्डमम कहाँ पे हैं, आपको ध्यान में होनी चाहिए एज यू कैन सी हियर मैप कि भाई ये कार्डमम और कहाँ है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ के प्लांट के जो रूट्स होती हैं उसमें ब्रीदिंग होती है यानी वो सांस ले पाते हैं। नीलम्बू टीक जो है वो केरला के अंदर पाई जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये मालाबार टीक भी कहलाती है क्योंकि इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है। विंटर में बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि हवाएं जो होती है वो लैंड यानी ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है, एंटी साइक्लोन बनते हैं ज़मीन के ऊपर और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ध्यान रखना एंटी साइक्लोन ना कि साइक्लोन। फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो एक तरह का खाना होता है, ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको सोख लेते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कॉरल रीफ्स की अपन बात करें तो कहाँ पाई जाती है, रण ऑफ कचमर, ये मन्नार, सुंदरबन में कॉरल नहीं पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। फुट लूज इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि स्मॉल लेबर प्रोड्यूस करती हैं और पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। एंटी साइक्लोन की अपन बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है काफ़ी हाई होता है और लार्ज यानी इसका एरिया बहुत बड़ा होता है और ये क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ के अंदर, क्योंकि साइक्लोन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ में, तो यू शुड नो। कृष्णा और ये गोडाउन जो है यहाँ पे शेल गैस के जो हैं अवशेष पाए गए हैं। कोल्ड करंट्स कौन कौन सी होती है तो यहाँ मैप दे रखा है, दैट यू शुड नो, इट्स इम्पॉर्टेंट। बायो एरोसोल जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जैसे फंगी, एक्टीरिया, वायरस वगैरह एंड ऑल। 18 में से 11 ऐसी साइट्स हैं जो कि MAB के अंदर आती हैं। पहली दो और लास्ट दो जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। रिसेंटली 2018 में कंचनजंगा जो है वो इसको ऐड किया गया था। सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है, वो चिली की विलियम है। कार्टिगाओ गोवा से, कार्टिगाओ गाओ गोवा में है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में है जो कि वेस्टर्न हिमालय में है। ये यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट है उसके आपस में कन्वर्जेंस जो है उसकी वजह से ये पैदा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट हुआ था 70 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इस जो ग्लेशियर है सियाचिन, यहाँ से निब्रा जो लीवर है वो निकलती है जो कि शौक की ट्रिब्यूटरी है और वो शौक जो है बाद में इंडस में मिल जाती है, दैट यू शुड नो। यहाँ पे स्नो लिपर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं। माउंट एटना जो है एक वॉल्केनो है जो कि इटली के अंदर पाया जाता है और ये यूरोप में है, ऑब्वियस बात है, ये सिली कोई आइलैंड है वहाँ पे पाया जाता है। ये अफ्रीकन और जो यूरेशियन प्लेट है उसके कुछ कन्वर्जेंस की वजह से ये जो है बनता है और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है और ये डेकेड वॉल्केनो भी कहा है इसने, यूनाइटेड नेशन ने इसको। गल्फ ऑफ ईडन, पर्शियन और मलक्का जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये गल्फ ऑफ ईडन कहाँ है, पर्शियन गल्फ कहाँ है, रेड सी कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, यू शुड नो। सेवन समिट जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, सेवन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो श्रृंखला है आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो यू कैन सी हियर। करतारपुर कॉरिडोर जो है उसके तहत रावी रिवर के ऊपर जो है ये स्थित है। चागोस जो है आर्क्योपोलॉजी से यूके और मॉरिशियस के बीच में विवादित एरिया है। सिबुंग विगुंग ये सुमात्रा आइलैंड जो है वो अपने पता ही है कि वो कहाँ है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडोनेशिया में है। रिंग ऑफ फायर की हम बात करते हैं ये बनता क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सबडक्शन, सबडक्शन ऑफ द ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स। मतलब एज यू कैन सी हियर इन द मैप, यहाँ पे ये ओशियनिक प्लेट है ठीक है और यहाँ पे ये है कॉन्टिनेंट प्लेट। अब ये जो दोनों प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो सबडक्शन यानी कि ये जो ओशन प्लेट है ये नीचे की तरफ दबती चली जाती है, फिर बाद में ये जो मैग्मा होता है ये बाहर आ जाता है, तो यू कैन सी हियर द पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर है जहाँ पे गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। मिनी डीवी जो है आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर है। इंडोनेशिया का एक पोर्ट है सबांग और इंडिया ने जो उसके साथ हाथ मिलाया है। भूज मरिया एक तरह की PVT कम्युनिटी होती है जो कि जिसको जंगल में रहने के अधिकार दिए हैं कि भाई आप जंगल में रह सकते हो। ये एक तरह की ट्राइब होती है जो लेफ्ट विंग एरिया के अंदर आती है और ये बुजू मार्ग जो फॉरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है, बस्तर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अंडर वाटर कैल्प जो होते हैं एक तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक तरह की एल्गी होती है जो कि समुद्र को नुकसान पहुंचाती है।
कैलाश मानसरोवर की अपन बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चाइना से होकर गुजरता है। कैलाश मानसरोवर झील है जो कि फ्रेश वाटर झील है, ये आपकी तिब्बत जो है वहाँ पर है उसके आसपास, और ये राक्षस ताल जो है वो भी उसके आसपास है। नाथुला जो है ये नाथू ये पास जो है इन चाइना और सिक्किम जो है उसको कनेक्ट करता है, और यहाँ पे इंडिया और चाइना की मीटिंग भी होती रहती है आर्मी की। भीमा रिवर दैट इज़ द कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल। विक्रमशिला जो डॉल्फिन है वो बिहार के अंदर पाई जाती है ये, और मोलासेस जो है ये मिज़ोरम के अंदर है। मोलासेस एक्चुअली क्या होता है कि नदियों से जो पानी आता है वो क्या है कि मिट्टी साथ में लेके आता है और कुछ नहीं। येलो सी कहाँ है दैट यू शुड नो इट्स वेरी वेल, उसके आसपास की कंट्रीज़। बेतवा रिवर की हम बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये विंध्या के आसपास जो मध्य प्रदेश से बेतवा जो है ओरिजिनेट होती है। डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण है वाटर इरोजन, फिर है वेजिटेशन डिग्रेडेशन। मिसिसिपी कहाँ है भाई, ये मैक्सिको के अंदर है। कलादान पोर्ट म्यांमार में है। प्राणहिता इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ओरिजिन कहाँ से होता है, इट्स नॉट ओरिजिनेटेड, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेन गंगा वर्धा एंड वेद गंगा, तीनों मिल करके प्राणहिता बनाती है ना। कोरिंगा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इट इज़ काफ़ी बड़ा मैंग्रोव है यहाँ पे। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स वगैरह पाए जाते हैं, और गोदावरी जो है रिवर जो है यहाँ एक यहाँ से निकलती है कोरिंगा से। कोरल सी जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास है दैट यू शुड नो। कानी ट्राइब जो है वो केरला के अंदर है। अगस्ता मलाई की हम बात करें केरला और तमिलनाडु के वहाँ पर है ये वर्ल्ड बायोस्फीयर भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और बेरिंग सी की हम बात करें या बेरिंग स्ट्रेट की हम बात करते हैं तो ये अमेरिका और जो रशिया है उसको अलग करते हैं, एज यू कैन सी हियर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माता वैष्णो देवी की हम बात करें तो ये त्रिकुट हिल्स के ऊपर है। मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के देश जो हैं आपको ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से देश हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।